देवघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर जिले के मार्डो मुंडा और सोनार या डाटी थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं देवघर एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सभी साइबर अपराधी विभिन्न तरह के डिजिटल पेमेंट माध्यम का सहारा लेकर ठगी करते हैं। इसके अलावा फर्जी बैंक अधिकारी और फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनाकर लोगों को जरूरी डेटा हासिल कर इनके अकाउंट से पैसे निकाल लेकर लिया करते हैं। देवघर एसपी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए 14 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 22 मोबाइल फोन, 30 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 16 पासबुक, 10 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 4 माइक्रोस्वीप मशीन, 1 दो पहिया वाहन और 1 चार पहिया वाहन के सहित 52,000 नकद बरामद किए हैं। वहीं देवघर पुलिस ने कहा कि 2021 की यह पहली सफलता है। इसके बाद पहले 2020 में भी देवघर पुलिस ने 200 से ज़्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। साइबर अपराधियों के विरुद्ध में विशेष अभियान जारी है और इस अभियान के तहत वर्ष 2021 का पहली महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि हुई है। अभियान के अंतर्गत देवघर पुलिस की 2 टीम, एक टीम नेहा बाला और दूसरी टीम मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में मार्गो मुंडा, करौं, सोनाराय ठाड़ी और मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापामारी किया और इस छापामारी में कुल 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 22 मोबाइल, 30 सिम, 21 एटीएम, 16 पासबुक, 10 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 4 स्वाइप मशीन, नकद 52,000, बाइक 1 और टाटा अल्ट्रोज 1 चार पहिया वाहन बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि मुकेश मंडल और विजय मंडल दोनों पूर्व में साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुके हैं। मुकेश मंडल मुंबई से और विजय मंडल मार्गो मुंडा थाना से साइबर अपराध में जेल जा चुके हैं। अभियुक्त जयकांत यादव वर्ष 2015 के एक मोहनपुर के कांड में वांछित है और ताजमुल अंसारी CSP संचालक है, जिसके पास से स्वाइप मशीन भी बरामद हुआ है। लिखा हुआ